इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में प्लाज्मा और रक्त से संबंधित बातों को बताया गया था। आइए हम फिर उस पर बात करते हैं, एक बार सिर्फ सुन लेते हैं तब लिखेंगे। प्लाज्मा ये रक्त में रहता है, जब रक्त निकाला जाता है तब उस रक्त में 50-60% रक्त प्लाज्मा होता है और शेष भाग में रक्त होता है। जब हमारे शरीर में किसी भी टेस्ट होती है तो वो प्लाज्मा टेस्ट होता है, वो प्लाज्मा टेस्ट होता है। प्लाज्मा में जल होता है सबसे अधिक मात्रा में 90%, इसके बाद प्रोटीन होता है, इसके बाद ग्लूकोज होता है, वसा होता है, एल्यूमिनियम होता है और घुले हुए अल्प मात्रा में लवण भी होता है, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम ये सब लवण भी होता है। तो ये सब प्लाज्मा का अवयव है। तो 50-60% पाया गया क्या चीज, रक्त प्लाज्मा, और उसके जो शेष भाग बचा वही रक्त कहलाता है। यहां तक आप लोग को लिखा गया था, ये भी लिखा दिया गया था कि रक्त दो प्रकार के होता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट, तीनों लिखा दिया गया था। लाल रक्त के बारे में आप ध्यान से सुने क्योंकि लिखाना है। लाल रक्त कण यह रंगीन रक्त है, रंगीन रक्त है जो प्रत्येक मनुष्य में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसमें लौह युक्त प्रोटीन अर्थात हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, यानी 100 ml रक्त में 12 से 16 मिलीग्राम आपको क्या रहेगा, लौह युक्त प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन, जिसको ढोने का काम जो हीमोग्लोबिन है वो ढोता है, किसको, ऑक्सीजन। आपने पहले भी पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ढोता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तब उसका रंग गुलाबी यानी लाल गुलाबी या लाल होता है, इसलिए इसे रंगीन रक्त के नाम से जाना जाता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में इसकी मात्रा कम होती है। मनुष्य की अंतर स्त्री हो या पुरुष, प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त का निर्माण होता है और इतनी मात्रा में प्रतिदिन
नष्ट होता है। जब किसी कारण से रक्त नलियां फट जाती है तब 30 लाख जो प्रतिदिन नष्ट हो रहा था उससे ज्यादा नष्ट होगा। तब निर्माण क्रिया जो था 30 लाख प्रतिदिन, वो निर्माण क्रिया बढ़ जाएगा, तीव्र गति से होगा और यह गति तब तक रहेगा जब तक कि पहले की अपेक्षा तुलना में बराबर ना हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ये था आप लोग को लाल रक्त कण और लाल रक्त कणों से संबंधित जानकारी लिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है विद्यार्थी जी श्वेत रक्त कण, ध्यान से सुनिएगा। यह रंगहीन रक्त है, किसी भी प्रकार का रंग इसमें नहीं पाया जाता है। मनुष्य में इसकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसकी प्रकृति कणयुक्त और कणविहीन, यानी दानेदार के रूप में भी होता है और बिना दाने के रूप में होता है। दानेदार जो होता है 3 और बिना दानेदार होता है 2, यानी श्वेत रक्त कण कुल मिलाकर के 5 हुआ। जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने का काम करता है, अर्थात श्वेत रक्त कण को बीमारियों को बॉडीगार्ड, रक्षा कवच कहा जाता है। एड्स ऐसे रोगों में, HIV ऐसे रोगों में श्वेत रक्त कण की मात्रा दिन प्रतिदिन घटते जाती है, घटते जाती है, घटते जाती, जिसके कारण रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी कमते जाती है। परिणाम एड्स वाला व्यक्ति धीरे धीरे कई एक ऐसे बीमारियों को शिकार होने लगता है। जिस दिन वो बीमारी भयंकर बन जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने श्वेत रक्त कण के बारे में पढ़ा, सुना। प्लेटलेट के बारे में भी मैंने पहले बताया था। यह अनियमित आकार का रक्त है जो 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। जब किसी कारण से रक्त नलियां फट जाती हैं, रक्त का स्राव होने लगता है, बहने लगता है, तो वायु के संपर्क में आने पर थाम्ब्रोप्लास्टिन नामक एक रसायन बनाता है जो रक्त को जमाने का काम करता है। जब यह रक्त जम जाती है तो मनुष्य के शरीर से अतिरिक्त का स्राव रुकता है। कभी कभी कुछ आदमियों में यह कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं करता प्लेटलेट, क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोफीलिया नामक रोग होगा उसमें प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर, जिसके कारण उसका रक्त जमता नहीं। तो हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिकी रोग है। इस रोग में स्रावित रक्त बहने के बाद जमता नहीं, इस बातों को याद रखिएगा। तो ये था आपको प्लेटलेट की जानकारी, श्वेत रक्त कण की जानकारी, लाल रक्त कण की जानकारी। अब उन सभी को डिटेल से लिखते हैं, आप गौर से सुने और देखें। देखिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है रक्त के तीनों प्रकार का। लाल रक्त को समझाएं।
लाल रंग तो कुछ समझ आ गया। यह रंगीन रक्त है, यह रंगीन रक्त है जिसकी संख्या पैतालीस से पचास लाख प्रति घन मिली मीटर। यह रंगीन रक्त है जिसकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। पुरुषों के तुलना में स्त्रियों में यह कम होती है। ठीक है, यह रंगीन रक्त है इसकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन होता है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में यह कम होती है। इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। इसमें 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ही लौहयुक्त प्रोटीन होता है। इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। 12 से 16 ग्राम प्रति 100 में लौहयुक्त प्रोटीन होता है। ध्यान से सुनिएगा, 7 माइक्रोमीटर होता है, इसमें 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml लौहयुक्त प्रोटीन होता है। 1.3 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml O2 को धोता है जिसके कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। इसी कारण इसका रंग लाल गुलाबी होता है। प्रत्येक मनुष्य में प्रतिदिन 30 लाख
30 लाख लाल रक्त कण बनता है, लाल रक्त कण बनता है और इतनी मात्रा में नष्ट होता है जब किसी कारण रक्त का स्राव होता है, निभा के निकलता है, होता है, तब निर्माण क्रिया तेजी से होती समाप्त। देख लीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। यह रंगीन रक्त है जिसकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। पुरुषों के तुलना में स्त्रियों में यह कम होती है। इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। इसमें 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml लवयुक्त प्रोटीन होता है। यहाँ देखिए विद्यार्थी गलती लिखा गया है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml, ठीक है उल्टा हो गया, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml O2 को ढोता है जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुटेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसी कारण इसका रंग लाल गुलाबी होता है। प्रत्येक मनुष्य में प्रतिदिन 30 लाख लाल रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त का बनता है, निर्माण होता और इतनी मात्रा में क्या होता है, नष्ट होता है। जब किसी कारण से रक्त का स्राव होता है, निकलने लगता है, बढ़ता है, तब निर्माण क्रिया तेजी से हो जाता है और यह कब तक चलता रहता है, जब तक पहले के तुलना में न जाए बराबर। तो आप इसको एक मिनट गौर से पढ़ लें, इसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ। हो गए विद्यार्थी जी, अब आगे देखिए, आगे बता रहा हूं। श्वेत रक्त कण जिसको संक्षेप में WBC भी कहते हैं, मेरा अभी आपको पहले शुरू में डिटेल से बताया गया, समझाया गया, आप उसको सुनिए। अब क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को समझाए। आंसर में यह
रंगहीन रक्त है, यह रंगहीन रक्त है जिसकी संख्या 5,000 से 9,000 प्रति घन मिली मीटर होता है, प्रति घन मिलीमीटर होता है। यह अम्लीय क्षारीय और उभय युक्त प्रकृति, मतलब दोनों वायुक्त प्रकृति का होता है। यह कणयुक्त और कणविहीन, यह कणयुक्त और कणविहीन दोनों प्रकार के होता है। देखो इसका प्रकार जो है वो लिख दे, इसका प्रकार आगे लिख दिया जाएगा। दो प्रकार के होता है लेकिन पांच रूप की होती है। देखिए इधर का कणयुक्त और कणविहीन, कण में अलग होता है, कणविहीन अलग होता है। लिखते हैं दोनों प्रकार के होता है। AIDS, एड्स रोग का नाम है, एड्स कॉमा HIV, जैसे रोग में श्वेत रक्त कण की संख्या घटने लगती है तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता घटता जाता है। देखिए कणयुक्त इधर, कण विहीन दो रूप होता है, पहला दूसरा तीसरा। इधर चौथा पांचवा यानी श्वेत रक्त कण, विद्यार्थी जी पांच गो होता है जिसमें तीन गो होता है कणयुक्त दाने के रूप में और दो गो होता है बिना दाने के रूप में। वो जरूरी नहीं है कि इधर एक दो तीन होगा, उधर से भी आप दे सकते थे कि एक दो, तो यहां से तीन चार, यानी श्वेत रक्त कण जो है विद्यार्थी, थोड़ा आगे नीचे लिखते हैं, श्वेत रक्त कण WBC, ये आपको दो रूप में होगा, एक कण युक्त में और एक कण
विहीन विहीन दोनों। तो इधर का एक हुआ, तीन को होता है कान यु, सुन लियो, और दो को होता है कहन विहीन, तीन को होता है कान यु और दो को होता है कान विहीन। कणयुक्त में आपको आता है एसिडोफिल, ध्यान से सुनिएगा, कणयुक्त में आता है एसिडोफिल, बेसोड बेसोफिल, और तीसरा आता है विद्यार्थी जी न्यूट्रोफिल, और कणविहीन में आता है मोनोसाइट लिम्फोसाइट। तो एसिडोफिल, ध्यान से देखिएगा, ए सी दो फिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट देख लीजिए, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो श्वेत रक्त कण कई प्रकार के होता है, पांच प्रकार के, जिसकी प्रकृति लामलीय होता है, क्षारीय होता है, और कभी कभी ये उभय होता है, मतलब दोनों प्रकृति की होती है। देख विद्यार्थी, तो ये था आप लोग को पांच प्रकार के श्वेत रक्त कण, पांच प्रकार के, लेकिन रूप दो गो, एक कण युक्त में और एक कण विहीन। पूरे रक्त में 5 से 9 हजार हुआ, आप लोग के सामने लिखा हुआ है। अब इसकी संख्या होती है, एसिडोफिल की संख्या 2 से 4% और 0.5 से 2%, बेसोफिल की संख्या और न्यूट्रोफिल की सबसे अधिक मात्रा में 60 से 70%। मोनोसाइट का होता है विद्यार्थी 2 से 8%, 2 से 8%, और इसका होता है 20 से 26%। तो याद रहे विद्यार्थी ये सभी बातों को, है ना, आप इसको गौर से एक मिनट देखें। आपने देख लिया कि श्वेत रक्त कण यह रंगहीन है, किसी प्रकार का रंग इसमें नहीं है, इसकी संख्या बहुत कम है, सबसे कम मात्रा में यही होता है, 5 से 9 हजार प्रति घन मिलीमीटर में होता है। यह अम्लीय, क्षारीय और उभयुक्त होता है, मतलब दोनों प्रकृति का। यह कण के रूप में भी होता है और कण विहीन के रूप में भी होता है। एड्स और एचआईवी ऐसे संक्रामक रोग है, इस रोग में क्या होता है कि श्वेत रक्त की संख्या घटने लगती है, जिसके कारण बीमारियों से लड़ने की पावर इसका घटने लगता है, क्योंकि श्वेत रक्त कण जो है विद्यार्थी शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करने का काम करता है, सुरक्षा कवच, बॉडी गार्ड।
कभी कलाल दांत खात खुजली करकल दिनाए इत्यादि ऐसे परिस्थितियों में एसिडोफिल की संख्या बढ़ जाती है। इसकी संख्या जब बढ़ेगा तो शरीर में ऐसे चर्म रोग उत्पन्न होता है। न्यूट्रोफिल की संख्या जब बढ़ता है तो विद्यार्थी आप दमा खांसी का नाम सुने होंगे, वैसे परिस्थितियों में खांसने वाले आदमी के शरीर में न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी बना करके रोगों से लड़ने का काम करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है यानी सुरक्षा कवच का काम करता है। तो ये था हम लोग को श्वेत रक्त कण की पूर्ण जानकारी। अब आइए तीसरा प्लेटलेट के बारे में बताते हैं। प्लेटलेट के बारे में भी आपको बताया गया है, जब शरीर के अंदर है इसका कार्य नहीं है, लेकिन जब शरीर से बाहर आता है तब इसका कार्य होता है। देखिए आइए विद्यार्थी, आप लोग का अगला है प्लेटलेट। अगला है आपको विद्यार्थी प्लेट लेट्स, प्लेट लेट्स रक्त कोशिका, रक्त कोशिका का वर्णन करें। रक्त कोशिका का वर्णन करें। अभी आपको इसमें बताना है यह अनियमित, यह अनियमित आकार का रक्त है, यह अनियमित आकार का रक्त है। इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिली मीटर होता है। जब किसी कारण रक्त नलियां फट जाती है तो रक्त का स्राव होने लगता है, तब रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है। रक्त को वायु में अन्य रसायन के संपर्क में आने पर थाम्ब्रोप्लास्टिन नामक रसायन थाम्ब्रोप्लास्टिन नामक रसायन बनाता है
बनाता है जो रक्त स्राव को रोकता है। अतः अतिरिक्त रक्त बहने से रुक जाता। समझिए विद्यार्थी, इस बात को एकदम अंडरलाइन कर दिए। ऊपर में भी देखिए इसको, यह अनियमित आकार पर रखता है। इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घंटा जब किसी कारण से रक्त नलियां फट जाती है, रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त को वायु या यन रसायन के संपर्क में आने पर जहां पर वो बाहर आया रक्त, वहीं पर थाम्रोप्लास्टिन एक रासायन पदार्थ बनाता है जो स्रावित रक्त को, बहने वाले रक्त को जमाने का काम करता है। जिससे बहने वाली रक्त यानी स्रावित रक्त धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये तीनों प्रकार के रक्तों के बारे में आप लोग को आज बताया गया इस वीडियो में। आगे हम बताते हैं, तब ले आप एक मिनट इसको देखिए। तो आपने देख लिया विद्यार्थी, आइए हम अब है रक्त जमने की क्रिया को समझाएं। यानी अभी आपने जो पढ़ा जिस रक्त के बारे में, अब हम लोग कैसे कैसे जांच करेंगे कि हमारे शरीर में रक्त जमता है या नहीं। चूंकि जम गया तो आप स्वस्थ हैं, और नहीं जमा तब आपके शरीर में हीमोफीलिया नामक रोग है। तो जमने की क्रिया कहिए अथवा हीमोफीलिया टेस्ट कहिए, हीमोफीलिया जांच कैसे किया जाता है। तो आइए विद्यार्थी, बहुत आसान तरीका से है, आप खाली गौर से इसको सुनिएगा, देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। रक्त जमने की क्रिया, रक्त को जमाना है तो पहले रक्त को निकालना पड़ेगा, कोई डिब्बा से, जार से, किसी बर्तन से नहीं बल्कि शरीर से। अब रक्त निकालने के लिए क्या चाहिए, तलवार, चाकू, रासा, कुछ नहीं। आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी ब्लड टेस्ट कराए हों, तो ब्लड टेस्ट में सुई से निकाला जाता है, समझे। आपको उतना रक्त की कोई जरूरत नहीं, बहुत छोटी सी सुई की मदद से रक्त निकालना है। कैसे, सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा, और ये आपको याद है, आपको याद है जिनको शरीर में ब्लड टेस्ट हुआ होगा, बस वही चीज को मैं बोलूंगा जो आप फटाक से पकड़ लेंगे और झटक से अपने से लिख लेंगे। देखिए, यदि रक्त जमने की क्रिया को बारे में जानना है तो पहले एक निडल लेंगे, सुई, कपड़ा सीने वाला नहीं, डॉक्टरी सुई, रुई लेंगे, स्प्रिट लेंगे, और कांच का एक प्लेट, दो प्लेट लेंगे। प्लेट थारी के बात नहीं कर रहा, ब्लड टेस्ट में ऐसा प्लेट होता है, जांच घर में, पारदर्शी
और आयताकार प्लेट होती है, ऐसा प्लेट। सुई चाहे, रुई चाहे और स्प्रिट चाहे और कांच की प्लेट चाहिए, कितना आपको वस्तु सामग्री चाहिए और एगो रोगी चाहिए, या रोगी नहीं है तो किसी जांच करने के लिए कोई मनुष्य चाहिए। आइए अपने अपने शरीर में टेस्ट करते हैं। तो रक्त को निकालना है तो सबसे पहले रुई और स्प्रिट को मिला दीजिए, भिगो दीजिए अच्छी तरह से, और किसी एक उंगली, जहां से एक उंगली को अच्छा तरह से साफ कर लीजिए, जिस उंगली से ब्लड निकालना है साफ कर लिए, रुई और स्प्रिट की मदद से साफ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सुई को निकाल करके यहां पर दबा देते हैं इसके अंदर, ब्लड निकल गया। ब्लड हाथ से आप नहीं दबाइए, मैंने तो दबा दिया, ब्लड यहाँ जैसे ही छेद किया गया तो ब्लड निकलेगा। इस ब्लड को इस प्लेट पर लाइए, यह लाल निकल गया, और इस प्लेट पर भी लाइए, देखिए एक एक पर रिटेस्ट कर सकते, कोई जरूरी नहीं दो तीन चार खाली। अब जो रुई और स्प्रिट था उसी के मदद से अब दबा दीजिए, क्योंकि रक्त आदि हीमोफीलिया रोग रहेगा तो रक्त निकलते रह जाएगा ना, इसलिए उस स्प्रिट और रुई के मदद से उस उंगली में जो स्रावित रक्त है उसको आप दबा दीजिए, जिससे उसका बहना कुछ समय बाद बंद हो जाए। अब इसको कुछ समय तक के लिए हवा में छोड़ दीजिए, खुली वायु के संपर्क में आएगा तब थाम्ब्रोप्लास्टिन नामक रसायन बनाएगा। सुनिए, कुछ समय तक छोड़ दिए, तब तक रुई और सुई को फिर से साफ कर लेंगे, क्योंकि सुई में ब्लड लगा हुआ, अब जो कुछ बचा हुआ रुई है उसके मदद से सुई को अच्छा से साफ कर लेंगे। कुछ समय बाद, दो चार पांच दस मिनट के बाद, उस सुई के नोक से इसको उठाते हैं, सुई के नोक से रक्त कण को उठाने की कोशिश करते हैं। यदि वह जाली की तरह उठता है, यदि जमने के बाद जाली की तरह क्या गया, उठ गया, तब समझ जाइएगा आपके शरीर में थाम्ब्रोप्लास्टिन नामक रसायन का बनना हुआ, जब बाहर में आया तब इसका मतलब प्लेटलेट में कोई बीमारी, हीमोफीलिया भी बीमारी नहीं है। यदि जाली नुमा रचना बना दिया तब जम गया तब, और जाली नुमा रचना नहीं बनाया, नहीं जमा, तब आपके शरीर के अंदर हीमोफीलिया नामक रोग है। तो आप लोग इस जांच से, किए गए इस प्रयोग से यदि संतुष्ट हैं तो इसके लिए यस लिखें, और यदि संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में नो लिखें। समझ गए बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चे ने यस कर रहा, बहुत अभी तक नो नहीं आया, ही नहीं कि नो दबा दें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत साधारण सा प्रयोग था। अब हम इन सभी बातों को लिखते हैं फिगर बना करके, देखिए सुनिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, नो भी आया है, अब जब पढ़वे नहीं करेगा, नो नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, छोड़ो। रक्त जमने के क्रिया को समझाएं, देखिए विद्यार्थी, रक्त जमने की क्रिया को समझाएं। आंसर में जैसे अभी आपने बोला उसी प्रकार, रक्त
जमने की क्रिया को दिखाने के लिए सुई रुई स्प्रेड और कांच की प्लेट लिया जाता है तक जमने की क्रिया को दिखाने के लिए रुई सुई स्पीड और कांच की प्लेट लिया जाता है। रुई को स्पीड के साथ मिला कर रखा जाता है। अब हाथ के किसी एक अंगुली को रुई और स्प्रिट के सहायता से रुई और स्प्रिट की सहायता से अंगुली को साफ किया जाता है तथा साफ अंगुली को सुई की मदद से छिद्र किया जाता है जिससे रक्त स्राव होने लगता है। ठीक है, रक्तस्राव होने लगता है। इस रक्त को कांच की प्लेट पर गिराया जाता है। अब उसे 5-10 मिनट के लिए गिराया जाता है। अब उसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। सुनिए, छोड़ा जाता है। पुनः सुई से रक्त को उठाया जाता है। जब रक्त में
जाली जैसी रचना, जैसी रचना दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, तब रक्त जमने लगता है। तो ये था विद्यार्थी आपको थोड़ा प्रयोग है तो बड़ा तो होना ही है ना, इसलिए आप बकाइए नहीं और कहीं जाइए नहीं, आप इसको गौर से एक मिनट पढ़िए। देखिए विद्यार्थी, रक्त जमने की क्रिया को दिखाने के लिए सुई लेंगे, रुई लेंगे, स्प्रिट लेंगे, कांच की प्लेट लेंगे, प्रायोगिक सामग्री है इसको बोलते हैं। रुई और स्प्रिट के साथ मिला कर कर करके हाथ को किसी एक उंगली को साफ कर दिया जाता है, बता दिया गया साफ किया जाता है, साफ उंगली से सुई की मदद से छेद कर लिया जाता है जिससे रक्त निकलने लगता है। उस रक्त को कांच की प्लेट पर गिराते हैं और गिराने के कुछ समय तक छोड़ देते हैं, ठीक है, गिराने के बाद कुछ समय तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब सुई की मदद से रक्त को क्या करते हैं, उठाते हैं, उठाने पर जाली जैसा फिगर बना रहे हैं, जाली जैसा संरचना यदि दिखाई पड़ गया तो समझ जाइए रक्त जम रहा, ठीक है। देखिए फिगर बना, बहुत आसान फिगर है, आप यह फिगर नर्सरी क्लास में बनाए हैं, जब आप वन क्लास में आए होंगे तो उससे थोड़ा अच्छा बनाए होंगे, और आप टेंथ क्लास में आए हैं तो अब उससे अच्छा नहीं बना सकते, इसलिए आप फिर को जाना है रिटर्न में, बचपन रिटर्न। देखिए ये गोलका और ये भी गोलका और ये भी गोलका, समझिए तीन गो गोल गोल संरचना बना दी विद्यार्थी, अब इसमें एकदम बूंदे बूंदे संरचना बनाई, बूंदा बूंदा बन गया बूंदा बूंदा संरचना बनाई, ऐसा रक्त कब दिखाई पड़ेगा, जब जीरो मिनट होगा तब, जीरो मिनट मतलब जिस समय हम निकाले हैं उस समय, फिर बूंदा बनाई है, बूंदा बन गया। अब इसको हल्का फलका जने तने जाली लगा दीजिए, बचपन में जो करते थे ये जाली जैसा, ये पांच मिनट, फिर बूंदा बनाइए, ढेर सारा जाली कर दीजिए, ये बोले नर्सरी क्लास में जाइए बैठ के गिरते रहिए। यह देखिए ये हो गया आपको 10 मिनट, यानी जितना समय लगेगा उतना काफी ये काढ़ा दिखेगा, समझ आ गया थी? ये हो गया आपको रक्त जमने की संरचना का चित्र, समझ रहे बात को, ये बूंदा बूंदा दिखेगा छोटे छोटे कणों में कब, जिस समय रक्त निकलेगा, कोई समय नहीं तब जिस समय निकालेगा, ये कुछ समय बाद होगा तो हल्का फलका जाली जैसा दिखेगा, नंगे आंखों से देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप ले जाइए, साफ साफ दिखेगा। और जब ज्यादा समय लग रह जाएगा 10 मिनट या 10 मिनट से अधिक, तो जितना अधिक रहेगा उतनी आपको ये गाढ़ा संरचना दिखेगा, कहीं पर खुजलाते होंगे, नोचते होंगे, खरोचते होंगे,
तो देखते होंगे ब्लड निकल जाता है, और फिर अगले दिन जब देखते हैं तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, रक्त की एक परत। तो जब ज्यादा समय हो जाएगा तो उसी प्रकार की एक परत बन जाएगा, क्योंकि रक्त जम चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही, फिर अगले दिन इसी वीडियो के साथ मिलेंगे। अगला दिन हो सकता है इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आप लोग को पोषण शोषण और परिवहन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछने को कोशिश कीजिएगा, है ना। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों धन्यवाद।